करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रतापगढ़ खंड बाबा बेलखंडनाथ धाम में राम मंदिर संपूर्ण निधि खंड समिति द्वारा आज 1,77,000 की सहयोग राशि एकत्र की गई, जिसमें विशेष सहयोग युवा भाजपा नेता राजीव प्रताप सिंह नंदन भैया का रहा। अन्य विशेष सहयोगी बाबा बेलखंडनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख कमला कांत यादव जी, खंड कारवाह अजय सिंह राजू जी, साखंड कारवा धर्मेश तिवारी जी, राकेश मिश्रा जी, विद्यार्थी परिषद से आदर्श सिंह जी एवं क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जनपद के बाबा बेलखंडनाथ धाम पर मौजूद हूँ। हमारे बीच हमारे युवा भाजपा नेता नंदन भैया मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि राम निधि समर्पण में उनका क्या योगदान है और किस प्रकार है। जैसा कि नंदन भैया हम सभी जानते हैं कि भाजपा की नीतियों में सदैव राम मंदिर प्राथमिकता पे रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आगे आना और आप जैसे युवा नेता का सामने आकर इसमें अपना सहयोग करना किसका प्रेरणादायी है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है सदैव से सबका विकास सबका साथ सबका विकास की रही है। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, भारतीय जनता पार्टी का सदैव यही उद्देश्य रहा है कि सामाजिक सद्भावना समरसता परस्पर प्रेम बना रहे और राम मंदिर के निर्माण के लिए जो समर्पण निधि के रूप में पूरा भारत सहयोग प्रदान कर रहा है, उसी क्रम में हमारे जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बाबा बेलखंडनाथ धाम में आज ये समर्पण निधि का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसमें हमें जो धनराशि प्राप्त हुई हम भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे बीच बाबा बेलखंडनाथ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख कमलाकांत यादव जी हैं। आइए जानते हैं कि राम मंदिर समर्पण निधि में आम जनमानस को किस प्रकार जोड़ते हैं। राम मंदिर में आम जनमानस को प्रेरित कर रहे हैं हम लोग घर घर जाके कि श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, जो कई सौ वर्षों से हमारे पूर्वजों की तपस्या का परिणाम हम लोगों को मिला है कि आज हम लोग राम मंदिर के लिए समर्पण निधि इकट्ठा कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है।